क्या आपने गौर किया है कभी मेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में यूपीएससी कुछ शब्दों का इस्तेमाल कॉन्शियसली करता है? डिस्कस, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, आउटलाइन, एक्सप्लेन, इलस्ट्रेट, इन शब्दों को रैंडमली इस्तेमाल नहीं किया गया है, इनका एक उद्देश्य होता है। इन शब्दों को डायरेक्टिव्स कहा जाता है, और जब भी ये शब्द आप क्वेश्चन में देखें तो समझ जाएं कि इन शब्दों से यूपीएससी कुछ चाहता है कि आप इस तरह से आंसर लिखें। बहुत से छात्र, बहुत से स्टूडेंट्स इस बात को नहीं समझ पाते हैं और वो रैंडमली कुछ भी लिखने लगते हैं। एक टेंडेंसी होती है कि एक टॉपिक आया और मुझे उसके बारे में जो भी मालूम है मैं सब उसको लिखने लगूं। नहीं, आपको इन डायरेक्टिव्स का मकसद समझना है, इन डायरेक्टिव्स का उद्देश्य समझना है, और हर क्वेश्चन पे उतनी वर्ड लिमिट में आपको उतना ही जवाब देना है जितना आपसे पूछा गया है। जितना पूछा गया है उसको बहुत सुंदरता से आपको प्रस्तुत करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी मेंस की आंसर राइटिंग का। हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी अपने मेंस के एग्जाम में जब क्वेश्चंस पूछता है तो कुछ शब्दों को ऐड कर लेता है। इन शब्दों का एक उद्देश्य होता है। ये शब्द आपने जरूर सुने होंगे, कभी डिस्कस लिख देगा, कमेंट लिखेगा, हाईलाइट लिखेगा, इलस्ट्रेट, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, इन शब्दों को जोड़ देगा। और ये मत समझिए कि ये रैंडमली उसने जोड़ दिए हैं, हर एक शब्द का एक उद्देश्य है। आपको एक फिक्स टाइम लिमिट है, 150 वर्ड्स में लिखना है, 200-250 में लिखना है, तो एक कोई भी टॉपिक अगर है तो उस पर आप बहुत लंबा लिख सकते हैं। मान लीजिए कि अगर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट पे अगर लिखना है तो उस पर आप बहुत लंबा लिख सकते हैं, लेकिन उस 150 शब्द में जो यूपीएससी ने पूछा है वो आपने लिखा या नहीं लिखा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमेशा आप प्रयास करें कि क्वेश्चन को समझिए जरूर। जैसे ही क्वेश्चन आपने देखा तुरंत उसके बारे में जितना जानते हैं मत लिखना शुरू कर दीजिए, और हमेशा समझिए कि उसमें क्या लिखना है। तो मैं कुछ शब्द आपसे डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा कि इन शब्दों का क्या मतलब है। डिस्कस, अगर कोई एक लाइन दी है, कोई एक फैक्ट स्टेट किया है, कोई एक पॉइंट स्टेट किया है और यूपीएससी ने अपने क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है डिस्कस, तो इसमें आपको क्या करना है? दोस्तों, अगर डिस्कस लिखा है तो इसका मतलब आपको अपने कागज पे डिबेट करनी है। डिस्कस मतलब डिबेट करनी है। डिबेट कैसे करेंगे? उस टॉपिक से रिलेटेड सारे इश्यूज को आउटलाइन कीजिए और उससे फॉर और अगेंस्ट सारे आर्गुमेंट्स, प्रोज एंड कॉन्स, सारे आर्गुमेंट्स को डिस्कस कीजिए, और उसके बाद लास्ट में आप एक सूटेबल कंक्लूजन जरूर डिराइव कीजिए। जितने भी पॉइंट्स आपने डिस्कस किए फॉर अगेंस्ट में, उसके बाद आपका अपना मंतव्य क्या है, और एक सकारात्मक मंतव्य, एक समाधान ढूंढने वाला मंतव्य अगर आप देंगे तो इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। दोस्तों, इसी तरह के 2 वर्ड्स हैं, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट। अगर कंपेयर लिखा है, कोई भी मुद्दे दिए और कहा कंपेयर, मान लीजिए गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, कंपेयर, कंपेयर में आपको सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों हाईलाइट करने हैं। लेकिन अगर वर्ड है कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट अगर लिखा है तो आपको सिर्फ डिफरेंसेस पे मेन फोकस रखना है। अगर आउटलाइन लिखा है तो वो डिफरेंट होगा अगर एक्सप्लेन लिखा है उससे। आउटलाइन का मतलब है कि आपको मेन पॉइंट्स लिखने हैं, हाईलाइट दिखानी है, द बिगर पिक्चर, मुख्य पॉइंट्स आपको लिखने हैं। लेकिन अगर एक्सप्लेन लिखा है, कोई एक टॉपिक आपको दिया और लिख दिया एक्सप्लेन, तो आपको डिटेल, फुलर, लॉन्गर आंसर लिखना है। आपको बात करनी है व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, कब हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ, किसने किया, इन सारे मुद्दों पर आपको डिस्कस करना है डिटेल में। और अगर इलस्ट्रेट लिख दिया है तो इलस्ट्रेट मतलब आपको डिटेल में बात करनी है, और डिटेल में आपको इलस्ट्रेशंस देनी है। इलस्ट्रेशंस मतलब आप मैप्स दे सकते हैं, डायग्राम्स दे सकते हैं, आपको एग्जांपल्स देना होगा, वो डिपेंड करेगा टॉपिक क्या है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले क्वेश्चन समझने हैं, क्या आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि उसी माइंडसेट से एग्जामिनर बैठेगा कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वही मुझे चेक करना है। और आपने इधर उधर की बात अगर करी तो शायद आपकी अगेंस्ट में चला जाएगा और आपके मार्क्स सफर करेंगे। तो क्वेश्चंस पढ़िए, समझिए और तब लिखने बैठिए, और कोशिश कीजिए वही चीज परोसिए जो यूपीएससी आपसे चाहता है। ऑल द बेस्ट, बाय।